स्वागत है आपका। अब आगे बढ़ते हुए बात कुदरत की मार की हम करेंगे। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मॉनसून ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में तो पानी की मनमानी लोगों को डराना भी शुरू कर चुकी है और ऐसे में अब आसमानी आफत का कहर और भी खतरनाक होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। पहली तस्वीर 14 जुलाई की है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुछ घंटे की बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि दो पहिया चार पहिया चालकों का मंजिल तक पहुंचना दूभर हो गया। सबसे बुरा असर पड़ा खोपोली के पास बोरघाट में, जहां मुंबई की ओर जाने वाली लेन पर निचले हिस्से में पानी जमा हो गया। दूसरी तस्वीर मुंबई से सटे पालघर की है, जहाँ फ्लड अटैक में एक एम्बुलेंस फंस गयी। अंदर मरीज था, अनहोनी भी हो सकती थी। पास खड़े बच्चों ने धक्का लगाकर किसी तरह एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। अब महाराष्ट्र में फ्लड अटैक की कुछ और तस्वीरें देखिए। नासिक के अंजनेरी पर्वत पर भारी बारिश की वजह से कई टूरिस्टों की जान पर बनाई। अचानक इतना पानी आया कि जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एबीपी न्यूज रिपोर्टर को पता चला कि प्रशासन के आदेश की कुछ टूरिस्टों ने अनदेखी की और पर्वत के ऊपरी हिस्से की ओर चले गए, जहाँ जाने की मनाही है। राहत की बात यह है कि फंसे हुए पर्यटकों का रेस्क्यू हो चुका है। आसमानी मुसीबत के निशान कोंकण रेलवे लाइन पर भी बिखरे हैं। भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटना हुई और कोंकण रेलवे लाइन कुछ इस तरह जाम हो गई। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने में भी प्रशासन को बड़ी दिक्कतें आईं और प्रशासन से ज्यादा कष्ट में दिखे यात्री। कोंकण रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड का मलबा गिरने के कुछ ही देर बाद वहां से तेजस और जन शताब्दी एक्सप्रेस जाने वाली थी, जिन्हें सही वक्त पर रोक दिया गया और रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर उन ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। कुछ ने तो टिकट का पैसा लौटाने के लिए हंगामा भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के लिए यह हफ्ता भारी है, तो अगले 5 दिन तेलंगाना में भी आसमानी मुसीबत का अलर्ट है। निजामाबाद, मेडर और कामा रेड्डी में तूफान और बिजली का असर देखने को मिल सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं तेलंगाना के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। और अब बात देश के सबसे बड़े राज्य में सैलाब के प्रहार की। उत्तर प्रदेश के 16 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उफनाई नदियां लगातार हादसे को दावत दे रही हैं। मॉनसूनी आफत के आगे यूपी की लाचारी को बयां करते कुछ वीडियोस सामने आए। यूपी के जिन 1.5 दर्जन जिलों की हालत मॉनसून के बाद खराब हो गई है, उसमें एक नाम सिद्धार्थ नगर का भी है। बूढ़ी राप्ती का रौद्र रूप ऐसा है कि कई इलाके समंदर से दिखने लगे हैं और आने जाने के लिए स्टीमर बोट ही विकल्प है। एबीपी रिपोर्टर दिव्यांकर ने उफंती नदी की तबाही देखी और सैलाब संकट से कराहती आबादी के मर्म को भी समझा। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी ने भारी तबाही मचाई हुई है। आने जाने वाले रास्ते जो है वो भी प्रभावित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो एक ओर से दूसरे इलाके में जाने के लिए जो स्टीमर है उसका सहारा लेना पड़ रहा है, बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर इस तरह से बूढ़ी राप्ती का पानी लगातार बढ़ रहा है और जिससे चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीर आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो स्टीमर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद यही स्टीमर इन लोगों को एक ओर से दूसरे ओर लेकर जा रही है। एकमात्र जो सहारा है वो यही नाव है और नाव के सहारे ही लोग एक ओर से दूसरे ओर जा रहे हैं। और ये मत समझिए कि सिद्धार्थनगर को सिर्फ कुदरत की मार पड़ी, बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा की वजह सिस्टम भी है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा पुल 1.5 साल से बन रहा है। परेशानी एक ही चीज का नहीं है, जाने में परेशानी है, को फसल सारा सब नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, तो ये समस्या हर साल रहती है, कोई नई समस्या नहीं है। जैसे कि हम ये 1.5 साल से जो है आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं बन नहीं है, मगर अभी कब तक कम्प्लीट नहीं हुआ। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है, जाने के लिए आने के लिए हर एक चीज के लिए दिक्कत हो रही है। फिर उस घर से बच्चे हैं, कैसे लेकर के आए, कैसे लेकर के जाए। पूरा घर में पानी है साहब जी, बहुत पानी है घर में, सब पानी पानी, तीनों गांव के अंदर पानी पानी है। कितना हुआ? फसल भी चला गया, घर में भी अनाज पानी भी भीज गया। सिद्धार्थनगर जैसे हालात लखनऊ से सटे उन्नाव के भी हो चले। गली और सड़क पर नाव निकल चुकी है, क्योंकि पैदल निकलने का मतलब है जान दांव पर लगाना। उन्नाव का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जो खतरे का निशान से 28 सेंटीमीटर ही दूरी पर बचा हुआ है गंगा का जल स्तर। और जो यहाँ के तटीय इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, यहाँ से नाव से उनके घरों तक जाना पड़ रहा है। इस साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो नाव जो यहाँ पर सड़क हुआ करती थी पूरी तरीके से जलमग्न है, लोगों के आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है।
उधर बस्ती में बाढ़ का पानी अटल आवासीय विद्यालय में घुस गया। मनोरमा नदी के कोप ने शिक्षा पर ब्रेक लगा दिया। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को इस स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जाती है। फ्लड अटैक से स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। हालांकि असली मुसीबत कर्मचारियों की है जो पानी के अंदर जाकर ड्यूटी करने को मजबूर है। उधर वाराणसी में सारनाथ बरईपुर की मेन रोड बारिश की वजह से धंस गई। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव की तरफ से जिम्मेदार ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाने और FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बाढ़ की समस्या को लेकर लगातार गृह मंत्रालय मॉनिटर कर रहा है। असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन पर बात की है। केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्रियों को हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया गया है। असम पर केंद्र सरकार का सीधा फोकस है क्योंकि फ्लड अटैक का सबसे बड़ा केंद्र असम को माना गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात में बड़ी बारिश की वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।